नमस्ते दोस्तों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं मिताली आपका स्वागत करती हूँ। बहुत ही ईमानदार व्यक्ति, बहुत अच्छा परिवार, जॉब बहुत अच्छी, परफॉर्मेंस अच्छा था जॉब में, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक बार दोस्तों ने प्रेशर किया कोई पार्टी में थोड़ा अल्कोहल लेने के लिए। अल्कोहल लिया उसने दोस्तों की प्रेशर की वजह से। एक बार का धीरे धीरे पार्टियों में ऑफिस में बढ़ने लगा और वही अल्कोहल धीरे धीरे वो घर पर भी लेने लगा। अपने आप रिश्तों में कड़वाहट शुरू होने लगी, झगड़ा बढ़ने लगा, ऑफिस के परफॉर्मेंस पर भी असर उसका आने लगा और एक समय ऐसा आ गया कि रिश्ता पूरी तरह से टूट गया। अब हम देखते हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति रिश्ता टूटने की वजह से धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया, तो ये क्या है? हम इसकी चर्चा आज की कड़ी में करेंगे डॉक्टर सचिन के साथ। हर बार की तरह हमारे साथ है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति। जैसे मैंने आपको अभी बताया उदाहरण कि एक ईमानदार व्यक्ति, क्या हुआ ऐसा कि पूरा डिप्रेशन में जा चुका है, थोड़ी से शुरुआत से ये हालत आज उसकी हो चुकी है। ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। हमने जितने भी एडिक्शंस देखे, जिनका मैंने इंटरव्यू लिया हजारों लोगों का, जी उन सबको मैंने पूछा कि आपने नशा क्यों चालू किया। जी तो 90% केसेस में, इवन हमने जो स्टडी किया है उसमें भी हमको यही पता चला कि 90% केसेस में ये महत्वपूर्ण कारण होता है वो माना दोस्तों का दबाव, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पीयर प्रेशर। जी कोई भी व्यक्ति बचपन से नशा नहीं चालू करता है। एक जी ऐसी उम्र आती है जी जो बहुत डेलिकेट होती है, जिसको टीन एज कहते हैं ज्यादा जी करके। अभी भारत में एक स्टडी हुआ 2013 में, जी नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट। मैं जी ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है माई स्कूल एडिक्शन फ्री स्कूल। तो हमने वो स्टडी में क्या देखा कि भारत के 4,000 बच्चे जो पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, जी 27 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ये स्टडी किया गया, और उसमें बताया कि नशा चालू करने की उम्र क्या है। जी तो उसमें पता चला कि तंबाकू चालू करने की उम्र 12 साल है, माना जी 7th स्टैंडर्ड, और बाकी सब नशे 12 से 15 के बीच में मैक्सिमम चालू करते हैं। तो ये बहुत डरावनी बारह चीज, से पंद्रह साल की एज में मैक्सिमम नशे शुरू माना होते हैं 7 to 10 स्टैंडर्ड के बीच में सबसे मैक्सिमम ज्यादा। चालू होते हैं। और इन सब में महत्वपूर्ण कारण होता है दोस्तों का दबाव। जी जो आपने केस कही वो तो काफी लेट है ऑफिस में जाने के बाद, पर वहां पर भी वो काम करता है। जी तो ये लोग अब अंदर से ना कहने में कमजोर होते हैं, वो लोग इनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। खास जी करके हम स्कूलों में देखा कि कोई भी बच्चा शुरुआत में नशा नहीं करता है, या तो वो जी मूवीज से प्रभावित होता है, एडवर्टाइज से, या उसके दोस्त उसके पास आके उसको ऑफर करते हैं जी और उसको बोलते हैं अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है तो जी तुझे मेरी दोस्ती की कसम, मेरे जी लिए ले ले। ये बहुत है हाँ, जी, और अगर तूने मेरे को कंपनी नहीं दी तो आज से हमारी दोस्ती खत्म, क्योंकि दोस्तों का इफेक्ट इस उम्र में सबसे ज्यादा रहता सबसे है। ज्यादा रहता है। और हम इस उम्र में ना ग्रुप में रहना चाहते हैं। जी एक तो मैं बचपन से बड़ा हो रहा हूँ तो शरीर का भी आकर्षण रहता है और ग्रुप का भी प्रेशर रहता है। जी उनका हेयर स्टाइल एक जैसा रहता है, कपड़े, मूवीज हाँ भी वैसे हाँ देखेंगे, तो वो ग्रुप छोड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ तो उसको इच्छा नहीं होती है पर, लेकिन दोस्ती का इतना दबाव होता है। और कई तो इतने ऐसे होते हैं कि अगर वो नहीं लेता है ना शुरुआत में, नहीं नहीं अच्छा नहीं है, मम्मी जी को पता चलेगा, पापा को पता चलेगा, टीचर को पता चलेगा, वो शुरुआत में बोलते मैं ले रहा हूँ, किसी को पता चला कि हाँ, फिर भी वो ना कहता है, तो जी लास्ट में उसका ऐसा बोल देते हैं कि कोई भी लड़का चालू करेगा। वो जी उसको एक बात बोलते, तू ना, तू तो लड़की ही रहेगा। हाँ ये भी बहुत है, इसीलिए मेल के अंदर एडिक्शन का ज्यादा है। यस, तो उसका ईगो हर्ट है, मैं और लड़की, माना मैं कमजोर, क्या मैं इतना भी नशा नहीं कर सकता, और फिर वो चालू कर देता है। तो ये जी पीयर प्रेशर है अलग अलग तरीके से। मतलब एक रीति से गलत बिलीफ सिस्टम काम कर रहा यस है यस, कि मर्द है, मेल मर्द है, है यस ना, तो यस, सच्चा अगर मेल है तो तुझे ये करना ही करना पड़ेगा। पड़ेगा, है ना। मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता है। इससे क्या होता है, देखो अमिताभ बच्चन करता है, वो शाहरुख खान करता है, जी। मूवीज में जो दिखाते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उनको कॉपी करते हैं। कई हीरो ऐसे जो हमने देखा 100 फीट हवा में उड़ाते हैं, तो इनमें भी कंपटीशन लगता है, देखो कौन हवा में उड़ा के सिगरेट को जला सकता है। जी। ऐसे मैंने भी देखा जब मैं कॉलेज में था कि वो माचिस की काड़ी लेते हैं और उसको ऐसे खींच के उसको जलाया जाता है सिगरेट को, वो
वो एक कला ओहो है, एक एक टेक्निक। मैंने कहा कहाँ से सीखते? बोलते हैं हीरोज करते हैं, और ये करने वालों को काफी रेस्पेक्ट मिलता है। ये ओहो, तो बहुत मतलब ये सारे बिलीफ बिलीफ सिस्टम बन रहे हैं। सिस्टम पर है। पीयर प्रेशर से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सोसाइटी में रहना है, हमें दोस्त भी चाहिए। हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़े और हम उनको हमारा इफेक्ट दे, ना कि उनका इफेक्ट हमारे ये ऊपर बहुत लेके अच्छा आए। आपने कहा कि उनके ऊपर हमारा प्रभाव जी पड़ना चाहिए। मैं बच्चों को एक बात जरूर कहता हूँ, मैं उनको पहले पूछता हूँ कि अगर कोई दोस्त तुम्हारा कहे कि अगर तुमने ये सिगरेट गुटखा, क्योंकि आजकल गुटखे का एडिक्शन जी बहुत है, जी गुटखा है या और कोई भी एडिक्शन की चीज आपको देती है, और आपके दोस्त ने आपको कहा कि अगर तूने नहीं लिया तो आज से दोस्ती खत्म, तो जी तुम क्या करोगे? जी तो मेजॉरिटी स्टूडेंट जो होते बोलते नहीं हम दोस्ती तोड़ देंगे। मैंने कहा फिर तुम जी दोस्त कैसे हुए? जी जी जो अच्छा दोस्त होता है वो अच्छे रास्ते पर लेके जाता है या गलत रास्ते पर? तो सब जी कहते नहीं अच्छे रास्ते पर। मैंने अच्छे रास्ते पर लेके जाते है तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त जी गलत रास्ते पर है और तुम उसको जी बोल रहे हो तू मर, हमको नहीं चाहिए। जी अगर तुम अच्छे दोस्त हो तो तुम तो नहीं लेना है, लेकिन उसको भी समझाओ। मतलब रिलेशन भी रहेगा। यस, तो उसको क्या समझाना चाहिए? बच्चों को मैं बताता जी हूँ, बड़ों को अलग बताता हूँ। तो बच्चों को ये बताता हूँ, भैया ये थोड़े समय के लिए अच्छा है, लेकिन मर्दानगी इसमें नहीं है। हमको पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है, हमको फिजिकल फिटनेस। तो हम कुछ और करते, खेलते हैं, जी किताब अच्छे पढ़ते हैं या अच्छी बातों के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन इन नशों से हम दूर रहे। मैं तेरी दोस्ती चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता, अगर तेरे को ये लेना है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जी मैं जी तेरे साथ इसमें सहयोगी नहीं बनूंगा। तो सीधा ना कहना चाहिए, जी लेकिन समझाने की भी कोशिश करनी चाहिए, जी उसको भी परावृत्त करना चाहिए और उसको अच्छे रास्ते पर लेके आने की कोशिश करनी जी चाहिए। जी पहला तो जस्ट से नो, और उसको भी उससे परावृत्त करें जी बच्चों के लिए, और दूसरा बड़ों के लिए, क्योंकि बड़ों का क्या जॉब रहता है। जी तो कई बार बॉस प्रेशराइज करता है, अभी उसके साथ जॉब है, अगर मैं ना कहूँ तो मेरा जॉब के ऊपर खतरा, मेरा प्रमोशन रुक प्रमोशन, जाएगा, उसका तो ये डर। प्रेशर रहता है। तो बहुत प्यार से उनको एसर्ट करना चाहिए, कुछ ना कुछ कारण देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भले आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अच्छे इंटेंशन के लिए जब झूठ बोल रहे हैं ना, तो वो झूठ नहीं कहा जाता, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। जी तो आप पहले तो उसको प्यार से समझाओ कि आप ये ले लो, मैं जूस ले लूंगा, आपको ऑप्शन जी है, आप जी फ्रूट जूस ले लो या और कोई चीज ले लो जिससे कि आपको नुकसान नहीं, लेकिन अल्कोहल नहीं लेना जी चाहिए। और फिर भी वो नहीं मानता है, तो उसको कुछ बहाना दे दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, छाती में दर्द होता है, ऐसे कुछ बोलो, लेकिन अल्कोहल की शुरुआत मत करो। तो एक बार इस तरह से अल्कोहल की शुरुआत हो गई तो यस फिर जैसे ही वो उदाहरण में हमने देखा, यस वैसे फिर कई जगह पर ऐसा एंड आ सकता बहुत है। कम लोग होते हैं जो कंट्रोल कर पाते हैं, जी लेकिन मेजॉरिटी लोग फिर एक बार, क्योंकि उसका इफेक्ट है, वो बायोलॉजिकल जी इफेक्ट देता है, और अगर आप प्रोन टू है उसके लिए, तो डेफिनेटली आप उसमें फंसने के चांसेस है। तो आपको बहुत फॉर्मली ना कहना आना चाहिए, जी असर्ट रहना चाहिए, ठीक है ये ना? बहुत अच्छी बात बताई कि पीयर प्रेशर से बचने के लिए आपको फर्म रहना चाहिए। यस हमारा फर्मनेस बढ़े इसके लिए हम और क्या करें? जैसे आपने तो बहुत सारी टिप्स हमको पीछे भी बताई, लेकिन और हम क्या कर सकते खास हैं? करके जैसे आपने ये बताया ना, मुझे अभी आंखों के सामने जो आता है बीपीओस के बारे में जी हमने देखा था, हाँ तो बीपीओस में मैंने मुंबई में देखा है कि नाइट ड्यूटी होती है, जी जी क्योंकि वो बैक प्रोसेसेस ऑफिसेस है, अमेरिका के लिए कार्य कर रहे हैं, वो है इंडिया में, जी तो यहाँ पे जब रात होता है तो वहाँ दिन होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनका नाइट ड्यूटी रहता है। जी अभी रात को नींद आती है, तो नींद नहीं आने के लिए सिगरेट पीते हैं, तो हाँ कई सारी लड़कियां अभी मैंने देखा हाँ जी सिगरेट पीती है जी इसमें। जी तो शुरुआत में तो अच्छा लगता है, धीरे धीरे पता चलता है कि इसका असर आ गया है इसके ऊपर। जी थोड़ा शुरुआत में क्या सैलरी अच्छी रहती है, एक स्टेटस रहता है, फिर उसमें से निकलना मुश्किल होता है, फिर रियलाइज होता है कि इसको छोड़ना है, तब तक काफी देर हो जाती जी है। जी तो खास करके मैं उनको बताऊंगा कि जिनका प्रेशराइज जॉब है, प्रेशर कुकर जॉब है ना, जी जैसे मार्केटिंग वाले, टारगेट होती है, डेडलाइंस होते हैं, इतना अचीव करना, क्योंकि मैं जी खुद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम किया जी है, तो मैंने देखा, मैं ट्रेनिंग लेता था एमआरस की, जो मेडिकल जी रिप्रेजेंटेटिव जी होते जी हैं, तो उनका हर महीने का टारगेट होता है कि इतना सेल आना चाहिए, जी जी और बहुत मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो उनके हाथ में नहीं रहते हैं, तो उसका प्रेशर रहता है, उनको जी प्रमोशन का भी प्रेशर रहता है, या जी एरिया का ग्रुप सेल नहीं हो रहा है, तो जी बहुत मार्केटिंग लोगों को मैंने देखा, एक तो अनइवन आवर्स है, टाइम का कोई आपका ठिकाना नहीं, दूसरा खाने का कोई ठिकाना नहीं है, जी नींद का भरोसा नहीं है, और फिर जो मीटिंग होती है उनकी होटल में होती है, तो बहुत लोगों में स्मोकिंग और अल्कोहल कॉमन होता है।
जी तो मैं ऐसे प्रेशर जॉब वाले जो सिचुएशन है, और भी मार्केटिंग लोगों को यही प्रेशर रहता है, तो वो सब लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सीख ले अच्छी तरह से। जी और स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत सारे टेक्निक है, और उसमें एक है राजयोग मेडिटेशन। जी जी राजयोग मेडिटेशन जैसे आप करते, आपके अंदर बहुत सारी विशेषता आने लग, जो आपने कहा ना कि एक बैलेंस जरूरी है, जिसमें आपने फर्म शब्द इस्तेमाल किया, जी उसमें हम एक शब्द ऐड करेंगे, पोलाइट एंड फर्म। जी माना आप फर्म रहते समय पोलाइट भी होना जी चाहिए, जी जिसको हमको शिव बाबा ने कहा सत्यता के साथ नम्रता भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जोर से बोलते, एरोगेंट होते, सामने वाला हर्ट करेगा जी आपको, जी या वो हिट करेगा कभी ना कभी। तो आप बहुत नम्रता से अपने दोस्तों को, अपने बॉस को साथ में रहो, लेकिन इन चीजों से दूर रहो। तो पोलाइट और फॉर्म का जो बैलेंस है, वो मेडिटेशन से बहुत अच्छा आता है, जी जी क्योंकि मेडिटेशन करने वाले लोग, एक सेल्फ रिस्पेक्ट उनका जागृत हो जाता जी है। तो हमने देखा कि राजयोग के अभ्यास से परमात्मा शिव बाबा भी हमको एक समान में रखता है, कि तुम आदि अनादि पवित्र आत्मा हो, तुम जी मेरे बच्चे हो, बहुत है ना, सुंदर। और तुम्हारा स्वधर्म पवित्र रहता है। तो मीन सब अपवित्र चीजों को अपने शरीर में कैसे डाल सकते हो? तो जी जैसे आपकी वो शक्ति जागृत होने लगती है, जी आपको अपने प्रति अच्छा महसूस होता है। जी और जब इन सब प्रेशर वाले सिचुएशन में आप आत्मा समझ के शिव बाबा को याद में रखते हो, जी तो कोई अगर इंसेंटिव भी है, थोड़ा लालच, थोड़ा ऐसा जी खींचने वाला लगता है ना, तो उस समय बाबा की याद से आप उसको रोक सकते, जी या कोई आपको खींचता है तो आप उसको ना कह सकते हैं जी अच्छी तरह से, पर नम्रता से आप ना कहते, क्योंकि जी आपके अंदर दिव्य गुण आने लगते हैं, जी और जी परखने की शक्ति आपको विशेष जी आती है, कि अभी मैं हाँ बोलू तो हर बार मैं इसमें फंस सकता हूं, तो अभी मेरे को अलर्ट युक्ति से ना बोलना हाँ है, ना बोलना चाहिए। मतलब कहते हैं ना सत्यता के साथ सभ्यता अगर होगी तो वो काम जरूर करती है, सामने वाले को भी वो हिट करेगी। यस और एक है कि अगर आप राजयोग का अभ्यास नियमित करते, जैसे इन लोगों को मैं जो होमवर्क देता हूँ, जो प्रेशर जी कुकर वाले हैं, वो कहते नहीं बहुत टाइम रहता है, बहुत प्रेशर रहता है। मैंने कहा कितना भी प्रेशर हो, आप हर घंटे में 1 मिनट तो जरूर निकालो। तो जी वो क्या करते हैं, हर घंटे में 1 मिनट निकालते हैं। तो 1 मिनट में आप आत्मा समझ के शिव बाबा को कनेक्ट करो, उसकी शक्ति आपने अंदर आ गई ना, तो जो भी जी प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है, और आप जी शांत हो जाते हो। और शांत होने के बाद आपको दिखाई देता है, क्लैरिटी आती है जी क्या जी करना है। एक भाई का अनुभव मैं सुनाऊंगा, उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, बहुत कंफ्यूज हो गया, प्रेशर जी आ गया। जी और इन लोगों के पास ना 2 व्हीलर होता है, वो बैग रखी रहती है, जी 2 व्हीलर से जाते हैं, तो उसको इतना प्रेशर है कुछ सूझा नहीं। तब उसको ये बात मेरी याद आ गई कि 1 मिनट साइलेंस में जाना जी चाहिए। गाड़ी बंद करके गाड़ी के ऊपर बैठ के उधर ही रास्ते पे जी 2 मिनट उसने ना साइलेंस में गया, अपने अंदर गया, और बाबा के साथ कनेक्ट करके उसने अपने अंदर शक्ति भरी। और जैसे ही शक्ति भरी, उसने ऐसे महसूस किया कि वो प्रेशर दूर हो रहा है और वो रिलैक्स होते जा रहा है। जी जी अच्छा, इस तरह से करेंगे तो काम हो जाएगा। माना जो बात प्रेशर में उसको नहीं सूझ रही थी, उसने साइड में गाड़ी लेके 1 मिनट साइलेंस में गया, तो उसको वो युक्ति आ गई जी और मतलब उसका ये काम छोटी हो छोटी गया। टेक्निक अगर हम यूज करते छोटी हैं, टिप्स है, कितनी छोटी टिप्स हैं। अच्छा, हमें कहीं पैसा खर्चने की जरूरत नहीं जरूरत है, नहीं कुछ है। भी करने की जरूरत नहीं है, अगर हम उसको इस्तेमाल करते तो डेफिनेटली लाइफ का पूरा क्वालिटी चेंज होना शुरू हो जाएगा। एक विशेष मैंने कहा कि इसके साथ में, क्योंकि ना कहना सिर्फ इतना इजी जी नहीं है, जी जी ना कहना सबको आता नहीं है, क्योंकि जी एक तरफ हम ना कहते ना तो रिश्ता टूटने का डर रहता है। जी तो हाँ भी करना नहीं है और ना भी नहीं करना है, ना जी भी करना है तो युक्ति से करना है। तो उसके लिए आपके पास प्रैक्टिस चाहिए, जी बहुत अच्छा आपको पोलाइट और फर्म का बैलेंस चाहिए, और शक्ति चाहिए उसके लिए, समझ चाहिए आपको, पेशेंस चाहिए। जी तो ये सब क्वालिटीज ना मेडिटेशन से अपने आप आने लगती जी है। तो मैंने कहा कि दोनों बातें सीखो, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक सीखो, जी फिर ऐसा ना हो कि आपका प्रेशर बढ़ता जाए, फिर दोस्त भी बोले तो अभी बोले क्या सचमुच में ये लोग थोड़ा सा जी एक बार तो ले ही लेता हूँ। जी तो जो लोग प्रेशर अपने मैनेज कर सकते हैं अच्छी तरह से, जिनको प्रायोरिटी सेट करनी आती है कि मुझे जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है, जॉब ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, लेकिन अगर इसके वजह से मेरे को गलत आदतें लग गई तो मेरा खर्चा उसमें सिगरेट जी शराब में जाएगा, मेरे स्वास्थ्य के ऊपर असर जी आएगा, फिर मेरे घर वाले भी नाराज हो जाएंगे, ये जी भी नुकसान है। तो प्रायोरिटाइज मेरे को करना चाहिए कि इसके बगैर मैं रह सकता हूँ, क्योंकि ये आज बहुत तक इम्पोर्टेंट है कि हमारी चीजों को प्रायोरिटाइज कीजिए, क्या यस प्रायोरिटी है मेरे लाइफ में। जिसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक अच्छे है, तो ऐसा प्रेशर आया भी दोस्तों से जी तो जी अपने आप को उससे बचा के रखता है। और उल्टा हमने देखा है, मेरा खुद का अनुभव मैं सुनाता हूँ, कि मैं भी उसी फील्ड में हूँ,
तो हमको भी उसी माहौल में रहना जी पड़ता है। जी लेकिन अभी हालत ऐसे होती है कि जैसे ही मैं जाता हूँ ना, जी तो सभी लोग अपनी सिगरेट को, नहीं डॉक्टर साहब आ रहे, सिगरेट साइड में, जी सिगरेट पता है बंद कर ना देते हैं, छिपा देते हैं। जी तो मैंने कहा चलो इतना तक तो आ गए। फिर आगे जब हमारे बॉस को, अभी मार्केटिंग वाले, देखो वो खुद रोज 40 सिगरेट पीता है, वो जी खुद कहता है, लेकिन वो कहता है डॉक्टर साहब आप टेक्निकल बातें तो सुनाते, दवाइयों के ऊपर तो जी लेक्चर लेते हैं, एंटीबायोटिक है, पेन किलर, जी आप इनको एडिक्शन के ऊपर भी समझा। जबकि जी वो खुद लेता है, लेकिन जी उसका भाव देखो कितना अच्छा है। वो कहते हैं नहीं, मेरे बंदे एडिक्शन से फ्री होने चाहिए। जी तो ये ट्रेंड चला कि जैसे लोगों को पता चला, जो भी कंपनियों में मैं जाता था, नहीं डॉक्टर सचिन 1 घंटा एडिक्शन के ऊपर हम सबको समझाएंगे। जी तो ये भी फायदा होता है कि जी जैसे आप पॉजिटिव रहते हैं, आप बिल्कुल फ्री है आप इन चीजों को, तो लोगों के ऊपर उसका प्रभाव भले पड़ता वो है। खुद नहीं कर सकते, फिर भी हाँ उनको अंदर से दिल होती है कि हाँ इसके लिए कोई काम कोई करे। काम करे, जी दिल तो अंदर से खाता है, बोलते नहीं डॉक्टर साहब मैंने भी कम कर दिया। कभी कभी मैं लेता हूँ, जब ज्यादा प्रेशर होता है ना कुछ, तब मैं लेता, नहीं तो मैंने कम कर आप दिया। पॉजिटिव हैं तो आपके सामने लोग सरेंडर करना शुरू हो ही हाँ, जाते और हैं। मेरे को बोलते नहीं मैं धीरे धीरे इसको बंद करना चाहता हूँ, मैं जरूर बंद करूंगा एक दिन। जी ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम पॉजिटिव रहे ना, हमारी भावना शुभ है, तो लोगों को फील होता है जी कि जी नहीं अच्छा है, इसको नहीं हमको प्रेशराइज करना चाहिए, जी ठीक है जी ना, जी हमको भी बंद करना चाहिए। हाँ, ये भी प्रेरणा मिलती है ये भी साथ प्रेरणा में। मिलती है। देखो मैं आपको, आश्चर्य लगेगा आपको, मैं शेयर करता हूँ, मैंने जितने 10,000 लोगों का इंटरव्यू लिया, जी जो लोग व्यसन करने वाले हैं, जी उन सबको मैंने पूछा कि ठीक है आपने जो भी कारणवश चालू किया, दोस्तों का दबाव हो या फैशन के वजह जी से हो, इजी अवेलेबिलिटी या घर में झगड़ा हो, जो भी कारण से आपने चालू जी किया, जी क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी चालू करें? आपको आश्चर्य हाँ, लगेगा, एक ने भी नहीं कहा, बोलते ये ऐसे बहुत कैसी बात नहीं, ये करते। सही बात है ना, बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है ये। हाँ कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी जनरेशन, मैं भले किसी और का विचार ना करूं, पर मेरे बच्चे नहीं करना चाहिए, इसका विचार मैं जरूर करूंगी। तो मैंने पूछा कि अगर आप नहीं चाहते आपके बच्चे, तो आप क्यों कर रहे हैं? और उनके जी पास कोई जवाब नहीं होता। और जैसे मैं कहता हूँ कि आप फिर क्यों कह रहे हैं, अगर आप नहीं चाहते कि आप पे बच्चे हो, तो क्या करो डॉक्टर साहब आदत लग गए। तो मैंने कहा फिर छोड़ना चाहिए ना, बोला हाँ छोड़ना तो चाहिए, अभी आप बताओ मैं क्या करूँ। ये सब लोग हैं, ये छोड़ना चाहते हैं। जी स्टडीज भी बताते हैं कि मेजोरिटी स्मोकर्स या अल्कोहलिक, वो छोड़ना चाहते हैं और छोड़ने की कोशिश भी करते हैं, जी लेकिन उनको युक्ति नहीं पता होता है, तरीका नहीं पता होता है, ये सपोर्ट गाइडेंस नहीं चाहिए, मिलता है, गाइडेंस सपोर्ट चाहिए। चाहिए। जी भले पीयर प्रेशर है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव है, आप मेडिटेशन जी करते हैं, तो हमारी शक्ति परमात्मा की शक्ति, और हम उसको अगर अपने परिवार का ही समझे कि ये जी मेरा ही आत्मिक बंधु है, भले वो अलग धर्म से है या दूसरा है, हम जी सब आत्माएं हैं, एक परमात्मा की संतान है। अगर जी आपका सच्चे दिल से ये विचार है ना, तो आपकी भावना उसके तक पहुंचती पहुंच जरूर ही है, और उसको जाएंगे। फील होता है कि भले ये लेता नहीं है मेरे साथ, लेकिन इसकी मेरे लिए भावना अच्छी है, ये चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं ये जी सब छोड़ दूं, और जी उसको फील होता है। और अगर आपका प्यार अच्छा है और आप कंसिस्टेंट है, पॉजिटिव है, उसको सपोर्ट करते, तो वो जरूर एक दिन छोड़ देते, हमारा ये अनुभव है। क्योंकि मेजॉरिटी नशे भाइयों में होते हैं, तो जिनकी पत्नी या बहन या जी माँ दिल से रोज परमात्मा को कहते कि मेरे पति का, बेटे का या भाई भाई का का नशा छूट जाए, तो उनकी वो शुभ भावना निरंतर रहती है। तो जब भी वो घर पे आएगा ना, उसको फील होता है कि नहीं, मेरी माँ बहन या बीवी मुझे बोलती नहीं है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता है, मैं सब जी लेता, ये उसको अंदर से आता है। जी और फिर एक दिन ऐसा आता है कि परमात्मा की शक्ति उसको मिलती है, और वो डिसाइड करता है कि मैं इसको छोड़ दूंगा। तो बहुत हमारी अच्छा, शुभ भावना हमको नहीं छोड़नी चाहिए, पीयर प्रेशर हमारे ऊपर नहीं, हमारा उनके ऊपर उनके ऊपर प्रेशर आना होना चाहिए, चाहिए। अगर हम पॉजिटिव है तो, और जी हम अपनी पॉजिटिविटी मेडिटेशन से बढ़ा सकते हैं, ये मेरा अनुभव है। बहुत सुंदर बताया आपने, आज की पूरी बातचीत बहुत ही अच्छी थी। सिर्फ एक लास्ट वर्ड आपसे मैं चाहूंगी कि आपने एक प्रोजेक्ट का नाम बताया था, मैं फिर से वो प्रोजेक्ट का नाम वापस आपसे लेना चाहूंगी। हमने देखा कि यूथ को बचाना चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट है माई स्कूल एडिक्शन फ्री स्कूल, माई स्कूल एडिक्शन फ्री एडिक्शन फ्री स्कूल। स्कूल, जी माई कॉलेज एडिक्शन फ्री कॉलेज, जी क्योंकि हमारा मेन प्रोजेक्ट है माई इंडिया एडिक्शन फ्री इंडिया, जी तो हर स्टेट में ये चलता है। और उसके तहत हमने देखा कि ये हमारे देश के भविष्य है, स्कूल और स्कूल और कॉलेज के कॉलेजेस। बच्चे, तो उनके अंदर हमारे ये प्रोजेक्ट चलता है, मेरा स्कूल नशा मुक्त स्कूल, मेरा कॉलेज नशा मुक्त कॉलेज। जी। तो हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हम जाके कार्यक्रम करते हैं। महाराष्ट्र का तो
तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो जीआर निकाला है, गवर्नमेंट रूल है कि हर स्कूल कॉलेज तंबाकू मुक्त होना चाहिए, तो जी हम उस जीआर के तहत हर स्कूल जो पॉजिटिव है, ओपन माइंडेड है, वहां पे जाके हम कार्यक्रम करते जी हैं, वहां पे अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। और हमने देखा इस अवेयरनेस प्रोग्राम का रिजल्ट कि वो स्कूलों में, कॉलेज में गेट पे बोर्ड लगते जा रहे हैं कि 100 यार्ड्स में कोई लेना नहीं चाहिए, अंदर धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगता है, और वो स्कूल के बच्चे आगे आकर जी खुद नशा मुक्ति के ऊपर भाषण करते ये हैं। बहुत बड़ी बात खास है करके एनएसएस या ऐसे जो लोग हैं जो सेवा भाव जिनके अंदर जी ऑलरेडी है, वो जुड़ते जा रहा है और एक मूवमेंट बनता जा रहा है। मुझे विश्वास है कि पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व एक दिन जरूर नशा मुक्त बनेगा। परमात्मा ये कार्य हम सबके द्वारा जरूर कराएगा। बहुत सुंदर, आपका इतना विश्वास है, आप इतना महान कार्य कर रहे हैं, आपके पीछे स्वयं परमात्मा की शक्ति है, ये जरूर ऐसा होगा, हमारी भी दुआ है। हम जाने के पहले एक 2 मिनट मेडिटेशन जरूर लेंगे। हम उन विचारों को अपने अंदर लाएंगे कि जब मित्रों का दबाव हो उस समय क्या सोचना चाहिए। स्वयं को पहला हल्का छोड़ेंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक पूरा शरीर एकदम रिलैक्स महसूस करेंगे। दोनों हाथ, दोनों पैर, छाती, पेट, पीठ की मांसपेशियां, गर्दन, सिर और चेहरा बिल्कुल रिलैक्स। स्वयं को एक दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा समझेंगे जो दो आंखों के बीच निवास करती है। ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, शरीर के मालिक हूँ। परमात्मा भी मुझ आत्मा के समान दिव्य सितारा है। उस परमपिता परमात्मा शिव बाबा से शांति और शक्ति का दिव्य प्रकाश मेरी ओर आ रहा है और मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। परमात्मा शिव बाबा ज्ञान के भी सागर है, उनके द्वारा ज्ञान की किरणें मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और मैं स्वयं को ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप अनुभव कर रहा हूं। आज मुझे महसूस हो रहा है इस जीवन में दोस्तों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन और एक बात भी पता चली कि जो भी अच्छी या बुरी आदतें हैं वो भी दोस्तों के द्वारा ही प्राप्त होती है। भले मैं स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ या किसी कंपनी में कार्य क्षेत्र पर हूँ, मुझे हमेशा देखना है कि मेरे दोस्त अगर मेरे ऊपर कोई गलत आदत के लिए दबाव डालते हैं तो मुझे फर्म रहकर उनको युक्ति से समझाना चाहिए, ना कि उनके प्रभाव में आना है। मुझे दोस्ती अच्छी लगती है इसलिए मैं उनके प्रति भी सच्ची दिल से शुभ भावना रखूंगा। शिव बाबा उनको भी शक्ति दे अगर वो किसी बुरी आदत में फंसे हुए हैं। मैं कभी भी अपनी जिंदगी में अपने दोस्तों को बुरी आदत के संगत में नहीं आऊंगा और स्वयं को इन बुरी आदतों से बचा कर रखूंगा। मेरी शुभ भावना है कि मेरे सभी दोस्त अगर किसी भी प्रकार का नशा लेते हैं या किसी बुरी आदत में फंसे हुए हैं तो वो उसमें से निकल जाए, उनका जीवन श्रेष्ठ बन जाए, जैसे मेरा जीवन राजयोग के अभ्यास से श्रेष्ठ बन रहा है। मैं चाहूंगा कि भारत का ही नहीं, विश्व का हर एक बच्चा जो स्कूल और कॉलेज में है वो इन नशे के पदार्थों से दूर रहे। परमात्मा शिव बाबा सबको शांति और शक्ति दे ताकि हम सभी इन नशीली चीजों से दूर रहे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे पूरा निश्चय है कि परमात्मा शिव बाबा पूरे विश्व को नशा मुक्त करेगा और एक दिन इस धरती पर स्वर्ग, सुख की दुनिया जरूर आएगी।
ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट्स आपने मेडिटेशन के थ्रू हमको दिए। मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शक मित्र इसको ज़रूर अपनाएंगे, इसको ज़रूर करेंगे। ये थॉट के साथ अगर मेडिटेशन करेंगे तो उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। आज की पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, आज की कड़ी में हमने विशेष इस महत्व को देखा कि कैसे पीयर प्रेशर यानी दोस्तों से आने वाला जो प्रेशर है उसकी वजह से कई बार हम नशे में चले जाते हैं, गलत आदतें पनपने लगती हैं। दोस्त जीवन में बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम ये देखें कि हमारा प्रभाव उन पे पड़े ना कि उनका प्रभाव मुझ पर पड़े। और अगर हमारा प्रभाव उन पे डालना है तो हम राजयोग जैसा सीख सकते हैं, मेडिटेशन पद्धति को सीख सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख सकते हैं। आप विचार कीजिए, अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते।